नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आप लोगों ने पैर में लगा दो इसको घनिष्ठ मित्र। और ये देखिए मिस इशिता भट्टाचार्य जी एक और सड़े हुए गले हुए चैलेंज के साथ आई हैं। अभी भी टेबल सेट हो रही है और देखिए मैं कितनी बदमाशी, देखिए मेरी की मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लगा लो ना, बैठे बैठे बखैदी कर रहा हूँ। ओनली टू लसन या ओनली टू लसन, तुमने कभी लसन छीला है क्या? लसन चैलेंज है ये, तुमको लसन तुमने लसन छीला है कभी लाइफ में? नहीं, बट क्या ही मुश्किल हो सकता है। Save your lessons. Oh, okay. वो भी दो ही हैं. Nice. What do you imply? क्या बताना चाह रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दो ही हैं. दो ही होनी चाहिए. So hi, I'm superstar Arman. Hi, I'm Ishita. Ishita, who brings up silly challenges like it's the lasagna challenge. It's better than प्याज काटना. वो भी मेरा चैलेंज नहीं था. झूठ बोल रहा है. बिल्कुल झूठ बोल रहा है. इसी का आइडिया था. ये बायाद आइडिया इसी का था. So I just want to show him that again cooking is like a life skill. जो सबको पता होनी चाहिए. बिल्कुल. और अगर आपको कुछ टेस्टी खाना बनाना है, बेशक अगर आप जैनी नहीं है तो आप ज्यादातर खाने में लहसुन डालेंगे, तो अगर आप लहसुन डालेंगे तो आपको लहसुन काटना छीलना वगैरह वगैरह तो आना ही चाहिए। समझ रहे हो ना? कुछ नहीं, ये आपके पास सिर्फ केवल दो लहसुन की कलियां हैं, उसको आपको छीलनी है और फिर छोटी छोटी डाइस करनी है। हाँ, और आपको जो है सफाई के पॉइंट चाहिए प्लीज, जिसकी साइड ज्यादा साफ हो, राइट? व्हिच इज माइन। ओके, आर यू सीरियस? डिड यू जस्ट डू दैट? ओके, लेट्स स्टार्ट द चैलेंज देन। ओके ओके, रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। अब मैं करूंगा तमीज से। कभी नहीं किया मैंने। ये कौन सी छुरी दे दी मुझे? इससे किसी का खून करने जाऊंगा तो होगा भी नहीं। आई वांट अ चैलेंज विद दैट। अरमान लसन नहीं है। अरमान लसन, अरमान जी, यू नो गार्लिक कैसे छीलते कैसे काटते हैं? क्योंकि जैसे तुम कर रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा देख के चीटिंग करके फॉलो कर लो, माइट जस्ट बिकम इजियर फॉर यू। डूइंग अ हॉरिबल जॉब एंड आई विल स्टिल विन इवन विद दिस खराब। Nice. जीत हार क्या है, सब मोमा है। अरमान जी, हम आपको बस बताना चाह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मैं यही काटता रह जाऊंगा वीडियो के एंड तक। हाँ। ओके, चैलेंज चल रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। अब देखो आप टेक्निकलिटीज, ऑडियंस मैं बताता हूँ लसन कैसे छीलते हैं। You can use the word garlic. Garlic. वैसे तुम्हें पता है कि garlic जैनी क्यों नहीं खाते? मना होता है। क्यों मना होता है? मैंने जो स्टोरी सुनी है उसमें ये होता है कि कोई फाइट हो रही होती है गॉड्स की, उसमें किसी का ब्लड गिरता है जमीन पर और उससे प्याज और लहसुन होती है। मैंने सुना है, मतलब कोई दानव होता है, उसका कोई गॉडेस उसको मार देती है और फिर जो ब्लड गिरता है उससे जमीन से निकलती है गार्लिक एंड प्याज। सो इट इज लाइक, सो यू मीन टू से एवरीबॉडी हु इज हैविंग गार्लिक एंड वी आर हैविंग नॉन वेजिटेरियन फूड, दिस इज नॉन वेज, दिस इज नॉन वेज। क्या बोला तूने? ए पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। द पॉइंट इज दैट some people have that belief that you're saying, ज़्यादातर बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाता है, but another reason is कि जो which I don't understand completely, but what I know, A garlic and lasan have a very strong smell,
अपैरली बैड स्मेल, कुछ डूड्स ओ पॉइंट जो गाड़े जा रहे हैं सफाई के, गॉड फॉरमाइंडेगा क्योंकि वही हो रहा है, ये लसन खराब है, ये छिल नहीं रहा। तुमने कोई हैक्स देखे हैं लसन छिलने के? वेट लेट मी कंप्लीट माय स्टोरी फर्स्ट। सो वन इज कि उसमें कोई बैड स्मेल वगैरह होती है जब हम खाते हैं तब आती है मुंह से, तो इसलिए उसको अशुद्ध माना जाता है, दैट्स वन। सेकंड इज दैट इन फैक्ट जेनीज एक्चुअली डोंट हैव एनी वेजिटेबल्स दैट ग्रो बिलो द अर्थ, लाइक बिलो द अर्थ, हां प्योर जेनीज, लाइक पोटैटोस, नॉट इवन पोटैटोस, दे डोंट ईट पोटैटोस, या आई डोंट नो हाउ दे, क्या खा रहे हैं ये जेनी, खा क्या रहे हैं, I don't know. खा क्या रहे हैं? So because उनके में ऐसा होता है कि वो carrots भी नहीं खाते। Carrots? Carrots? मतलब like गाजर? गाजर नहीं खाते। हाँ। खाते क्या हैं ये बता दो। Jenny क्या खाते हैं? Video अब इसी पे चलेगी। नहीं मतलब obviously I have a lot of Jenny friends and they just say कि we are vegetarian or we are chicken eating Jennies who are ostracized by society. Jennies पे क्यों बन रही है? Garlic challenge I guess. अच्छा garlic से बनी 5 dishes बता। 5 बिरयानी, कोरमा, चिली चिकन, चिकन 65, चिकन चंगेजी। देखो इतनी देर से गार्लिक चिकन नहीं सूझा। गार्लिक चिकन नहीं बनाते ना मिडिल क्लास। जो व्हाट इज द मोस्ट मिडिल क्लास थिंग इन योर हाउस? सोफा, उसमें ना कील है जो बाहर आ रही है। हमारे घर पे गेस्ट आते हैं ना तो हम पहले उन्हें डरा के बोलते हैं कि इधर नहीं बैठना, स्पेसिफिकली एक जगह है जहाँ पे कील है, और अब मैं कभी कभी बैठ भी नहीं पाता, मैं ऐसे बैठता हूँ नॉर्मली भी क्योंकि वो मेरे तो चुप चुप। मेरे घर में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास चीज़ ये है कि हमारे घर में टिपिकल थोड़ी बहुत सब कुछ मिलेगा, हम लोग हर चीज फोल्ड करके रखते हैं, फ्रॉम प्लास्टिक की थैली टू प्लास्टिक की थैली का मेरा होल्ड करने का फंडा सिर्फ इतना ही है कि मैं उसको रीयूज कर सकूं। अच्छा प्लास्टिक वेस्ट थोड़ा कम करें, बट ऑल सेड एंड डन हमारे घर में होर्डिंग का बहुत लोचा है, और होर्डिंग का लोचा इसलिए ज्यादा होता है इसलिए नहीं कि हम शॉपिंग करते क्योंकि उतने तो हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमको जो गिफ्ट मिलते हैं ना, I don't know when people want to give you gifts, why can't they just give you money instead of giving a suit piece or सोन पापड़ी? I mean सोन पापड़ी आपको इसलिए देते हैं ताकि आप आगे बढ़ा सको, जैसे कि उन्होंने बनाई है, सोन पापड़ी यूनिवर्सल है, चल रही है, तो एक ही जना हम मान लेते हैं ना, तू हार रहा है, अच्छा क्योंकि आप अगर you're getting tired, I can see you actually figured out how to chilo, yes I know how to chilo fire it, I'm gonna make garlic chicken. Because you're going to be an upper middle class. I am a rich person. मैं अमीर हूँ। बाकी ये टी-शर्ट तक मेरी नहीं है। But I have a lot of money. तुम उधारी चल रहे हो? Yeah. तुम्हारे ज़्यादातर दोस्त भी उधारी चल रहे होंगे। दोस्तों की बात नहीं करते हैं मीडियो में। तुम्हारे दोस्त अमीर हैं? तुमसे भी बदतर हैं। कैसे कैसे दोस्त पाल रखे तुमने? ये वही बात है, मुझे आलू का नाम लेना पड़ेगा। ओह नो आलू वीडियो भी तो लेंगे। शिट। वहाँ बहुत जिगरी। खत्म करते हैं चैलेंज। है ना? हाँ। हो गया ना? पीठ दर्द हो गई। ना हो पा रहा? हो रहा है ऑब्वियसली। तो एक काम करते हैं चैलेंज को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। देखो दो लसन छीलना तो बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा है मुझे। इम्पॉसिबल ही है क्योंकि ऐसा है हम रेस्टोरेंट बिजनेस में तो है नहीं। नहीं जी। तो जब हम रेस्टोरेंट बिजनेस में नहीं हैं कैसे छीलते होंगे लोग पूरे पूरे दिन बैठ के? लोग ये कोई ऑक्यूपेशन होती है क्या गार्लिक पीना? भाई मेरे हो गए 1 2 3 4 5 6 और मेरा एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सफाई के भी पॉइंट्स हैं। नहीं नहीं अभी खत्म नहीं होता, सफाई के भी पॉइंट्स हैं। हां तो मेरा एकदम साफ है। मैं एकदम साफ चल रहा हूं। हम इससे ज्यादा वीडियो नहीं बना सकते, बहुत काफी थकीला था ये आइडिया फ्लो। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो हमें जरूर बताइएगा, हम खुद को टॉर्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कमेंट्स में ऐसे क्रेजी चैलेंज। अच्छा व्हाई डोंट यू टेल अस व्हाट यू वांट अस टू डू एज द नेक्स्ट चैलेंज, बिकॉज आई थिंक दैट इज अ इजीियर थिंग। यस बिकॉज दिस इज गोइंग रियली वाइल्ड एंड रियली वाइल्ड यस एंड अ लिटिल आउट ऑफ हैंड।
सो एनीवे अगर बाय चांस आपको हमारी ये स्टूपिड सी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब जिसका नाम है मोह माया एंड मोर। हाय गाइस, एक्चुअली ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, मोह माया एंड मोर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने चैनल का नाम चेंज करके OTD कर दिया है, ऑफ ट्रैक डेमोक्रेसी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नाम, बट मतलब बस ये पहले नहीं सोच सकता था भक्कर। सब्सक्राइब टू OTD। बस बहुत हो गया, मेरी टकीरा लेकर आओ, बैकअप यार, बस आई डोंट शूट एनीमोर। नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं चल रहा है, कम ऑन, वेयर इज माय टकीला? व्हाई एम आई क्लीनिंग योर शीट? नो, बिकॉज़ आई एम स्टिल फाइंडिंग इट। ओके ओके, बाय, कट।